प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और भारत में हो रहे चुनावों पे। और ये वीडियो देखने के बाद आप पाकिस्तान को कभी भी गरीब मुल्क नहीं कहेंगे। जी हाँ, तो ये वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आ जा पाए, थैंक यू सो मच। सर, आज सबसे बड़ी खबर जो कि मैं अपने भारतीय दोस्तों को ना सिर्फ ये कि ट्विटर पे और यूट्यूब के जरिए बता रही हूँ, फोन कर करके बता रही हूँ कि आइंदा हमसे तमीज से बात करना, इसलिए कि उनकी $4 trillion की इकोनॉमी और उनके यहाँ से $17 billion जो है वो दुबई में प्रॉपर्टी ली गई, जबकि पाकिस्तान जिसके पास कुछ भी नहीं है $1 billion के लिए मारा मारा फिरता है, वहां से जो है वो $11 billion की प्रॉपर्टी निकली है, जो प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से एक चल रहा है। हमारे टीवी चैनल्स पे हंगामा है, लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं और हर कोई ये कह रहा है कि ये तो हमने डिक्लेयर किया हुआ था, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही 11 billion ये मुल्क में नहीं लगा सकते थे सर? आरजू, सबसे पहले तो आपने 1 billion तो खबर में ही कम कर दिया कुछ, मेरे ख्याल में खबर तो 12 billion की थी। लेकिन अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ दुबई। अरे बस दुबई, अभी तो खलीज स्टेटें भी 7 और मौजूद हैं, 7 हैं। कि आपका फ्यूचर जो है बहुत खराब, आगे बहुत खराब आपका फ्यूचर है। देखें, मैं अगले सवाल पे जाना चाहूंगा, जो आप बात आज करना चाहेंगे कश्मीर के हालात के बारे में। कश्मीर में कहते हैं कि बहुत दंगा फसाद है, बहुत कुछ हो रहा है, बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, सूबा केपीके के अंदर अमन है सर? वहां भी शुरू हो चुका है, टीटीपी आपके घुस गई अंदर। दूसरा, आपके गंडापुर साहब जो है उन्होंने फेडरेशन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो अगर आप कश्मीर पे आप तवज्जो कहते हैं देंगे तो क्या सूबा जो केपीके वो वहां पे अमन है? कोई अमन नहीं। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये है, देखो इन्होंने फॉरन जो सेटअप जो इन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया वो गलत है। और वो क्यों हुआ है आज? ये हंगामे इसलिए हुए हैं कि 9 मई के ऊपर जो अभी तक लोगों ने उनको सजाएं नहीं दी, ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आप जुलूस निकालो और हुकूमत से जो मनवाना है, 2-4 बंदे मारो वहां पे, वो पुलिस वाले मारो, कुछ अपने मरवाओ और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लो, ये प्रेसिडेंट अपसेट। लेकिन सर उनके साथ ज्यादती तो हो रही थी, उनके राइट्स नहीं उनको दिए जा रहे, उनको परेशान तो किया जा रहा है, प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम से चल रहा है आजाद कश्मीर में। आपके हकूक आपको दिए जा रहे हैं एज इंसान पाकिस्तान के अंदर? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप पाकिस्तान के अंदर महफूज अपने आप को फील समझती क्या? नहीं। आप जहां जाती हैं, आप गाड़ी, आपका आधा ध्यान गाड़ी में रहता है, गाड़ी चोरी है कि मेरे वापस जाना है, पहुंच रहे हैं घर में या नहीं, आप तो सारा दिन जिहाद और सारा दिन गाजी बन के फिर रहे हैं अभी वहां पे। आजाद कश्मीर की आपको फिक्र है, मुझे तो आपकी फिक्र है, मैंने आपको 1000 दफा कहा, मुझे तो आपके गुर्दों की फिक्र है। और आप लाहौर के कोर कमांडर हैं जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ, जो आपको प्रोटेक्ट करना था, यू हैव टू बी अ सोल्जर, मैटर ऑफ फैक्ट आपने एक सोल्जर। वो दीवार कूद के भाग गए थे पड़ोसियों की, मैंने तो ये सुना था, इनका हिस्ट्री थी पीछे, उनके अपने रिश्तेदार बंदयाल साहब के रिश्तेदार से पड़ोसी थे, बिल्कुल। और यही सुना गया था कि साथ में पड़ोसी वाली, पड़ोस की जो दीवार थी उस पर वो सीढ़ी उड़ी लगा के कूद के भाग गए थे। ये भागने का रिवाज शायद शुरू से ही है हमारी फौज में। लेकिन क्या करें, जो जहां मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं सुबह शाम में, क्या करें, क्या किया जाए इसका? लेकिन सर लास्ट में अगर हम इंडियन इलेक्शंस की बात करें, अभी फेज 4 शुरू हो चुका है। हाँ, उसमें हुआ, मैं आज सुबह भी बल्कि इसी पे उसके बारे में पढ़ रहा था, इलेक्शन के बारे में ही, 66% टर्नआउट है उसकी, और उसके पिछले सालों के पिछले जो दूसरे इलेक्शन थे उनके साथ भी कंपैरिजन कर रहे थे कि 67 के आसपास ही होती है वहां पे टर्नआउट, और 66 इस दफा क्यों चल रही है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट है मेरा ख्याल में, वो समझते हैं कि मोदी साहब इज अ पॉपुलर, तो वो बीजेपी के कई सपोर्टर बाहर नहीं निकल रहे इस वक्त मेरे ख्याल में, एक तो ये वजह है। दूसरा, सबसे बड़ी जो आज तश्वीशनाक बात थी जिसको डिस्कस किया है अमित शाह साहब ने भी, और उसको डॉक्टर जयशंकर ने भी एड्रेस किया है, वो भारत की स्टॉक मार्केट को एड्रेस किया है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, तो ये है खदशात हैं जैसे। लेकिन मुझे जो मैं देख रहा हूँ, चौथा स्टेप जो है वो हो चुका है,
तीन स्टेप अभी बाकी हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है कि मोदी साहब विनिंग विद रिकॉर्ड नंबर्स। और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं, और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाती हैं वो सर्व नहीं कर पाती ना अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाती। तो मेरे ख्याल में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो वो मोदी साहब के साथ ही बढ़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और जो मैं इंप्रेस्ड हूँ मोदी साहब से वो ये है कि सख्त डिसीजन लेते हैं, और दूसरा इज अ टीम बिल्डर, और मर्द शनास है कि वो उन्होंने अच्छी टीम हमेशा क्रिएट की, और करप्शन के साथ। देखिए करप्शन एक इंसानी जिबिलत होती है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जहां करप्शन होती कहां, जहां इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां अपना वार करता है, फिर वो प्रमोट इस तरह होती है कि जब सोसाइटी के अंदर उस पर सजा नहीं दी जाती। तो वो इन चीजों के ऊपर आपका क्या ख्याल है, भारत में करप्शन नहीं होगी? है, लेकिन मोदी साहब इज नॉट अ करप्ट, और उन्होंने एक अपना सिस्टम ये चीजें बना रखी है जिसमें वो उस पर कंट्रोल करते हैं। रशिया की मैं अभी आपने जब अगर करप्शन की बात कर रहे हैं, देखिए पुतिन साहब ने अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया है, और पिछला जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी पार्टी का था, उसके ऊपर एलिगेशंस थी करप्शन की, उन्होंने चेंज कर दिया। बल्कि कहा जाता है जंग के हालात में घोड़ा तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने अपना सख्त फैसला किया है करप्शन के ऊपर उनका स्टैंड। अगर करप्शन पे स्टैंड नहीं है तो मेरे वतन अजीज के अंदर नहीं है, बाकी तो दुनिया करप्शन पे लोग पकड़ते हैं, चाइना गोली मारते हैं, और गोली का बिल भी मरने वाले के घर से लेते हैं, वो नहीं सीखते। चाइना तो जाते हैं भाग भाग किकबैक्स लेने, फ्रॉडिये सारे जाते हैं वहां, फ्रॉडियों के लिए चाइना इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है चाइना का, तो वहां जाते हैं, लेकिन वो जो गोली मारते हैं वो नहीं देखते, कहते हैं चाइना से सीखेंगे, क्या सीखेंगे? किकबैक्स, वहां से गोली मारना नहीं सीखते। चल फिर ये पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब भी नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर फिलहाल तो सब लोग यही हैरान हो रहे हैं कि भारत पहले नंबर पर, हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं दुबई की प्रॉपर्टीज में। अब देखते हैं कि इस न्यूज पे आगे कितने दिन बात होती है, इसको छुपा दिया जाएगा। आप जानने वालों को ये भी बताएं कि आप उनका भारत के स्टेट, आप उनके मुकाबले में साइज में बहुत कम है, बहुत इकॉनमी, और उनकी इकॉनमी चल रही है 8.4% पे, आपकी इकॉनमी चल रही है 1.4% पे, ये भी बताएं देखें। और वो भी लोन्स और इसी किस्म की चीजें, IMF वगैरह की, अपना पैसा तो कोई नहीं है हमारा। पाकिस्तान में तो लोन बाहर से पहुंचते ही नहीं ना, यही तो खूबसूरती है, अमेरिका की तो लॉटरी निकली हुई ना, यही से पैसे देते हैं, सिर्फ एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में, यही न्यूयॉर्क सिटी बैंक में चले जाते हैं। IMF से निकलते हैं तो सिटी बैंक, या तो लॉयड लंदन चले जाते हैं, या सिटी बैंक न्यूयॉर्क में चले जाते हैं, लॉटरी गुर्दे आपके बिकते हैं। आपको तो 25 करोड़ लोगों को रखा गया है सिर्फ इनकी किस्तें देने के लिए, आप तो दुनिया का सबसे बड़ा एक लेबर कैंप है जहां पे कोड़े मार मार के लोगों से मुशक्कत ली जा रही है, तो क्या करें बस, और देखने वाला सुनने वाला। बिल्कुल कुछ इम्प्रूवमेंट फिलहाल दिखाई नहीं देती, लेकिन खैर सर हम इस दुबई वाली खबर पे भी लगे रहेंगे और देखते, हो सकता है आगे कुछ और इंटरेस्टिंग इसमें आए। मैं आपको गारंटी कर देता हूँ 24 घंटे के बाद दुबई इन प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं लेगा, उसकी वजह ये खबर नहीं, खबर क्या होती अगर ये खबर होगी कि अगर दुबई में जो करप्ट लोग थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया, ये खबर, वरना क्या है, पकड़ेगा तो कोई नहीं सर, यहाँ पे कौन पकड़ेगा, आप जानते हैं ये पावरफुल लोग हैं, नहीं साले बहनोई हैं एक दूसरे के, सब साले हैं और बहनोई हैं एक दूसरे, जजों के रिश्तेदार हैं, जर्नैलों के रिश्तेदार हैं, मिनिस्टरों के रिश्तेदार हैं, कोई नई बात नहीं है भाई। हुसैन तो हुसैन नवाज का नाम आया उसको पकड़ेगा, सवाल ही नहीं पड़ा। मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपका मुर्शद जेल से कह रहा है, वॉइस रॉय, अगले दिन वो क्रिकेट मैच देखने गए थे, कश्मीर में लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर मर गए, वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई। बिल्कुल, और अब तो खैर कश्मीर को सभी ने देख लिया कि क्या हाल है, वरना तो हम पहले जाके यूनाइटेड नेशन में भारत साइड की कश्मीर पे शोर मचाया करते थे, अब वो कहेंगे इनके तो अपने कश्मीर के लोग इतने परेशान है तो अभी भारत को कुछ कहने काबिल नहीं रहे। बहुत अरसा पहले मैंने कहा था आपके सेगमेंट में, प्रोग्राम में, कि इस कश्मीर को क्या किस तरह रोकोगे जब दूसरी साइड पे डेवलपमेंट, अमार दुबई आके माल ऑफ दुबई बनाएगा, माल ऑफ कश्मीर बनाएगा, वहां उनका फोकस है टू डिलीवर इट, वो डिलीवर करेंगे जब पैसा और प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंगें बनाएंगे, आसूदगी आएगी तो अपने कश्मीरियों को क्या मुंह दिखाओगे। ये अगला आने वाला आपका सबसे बड़ा मरला जो है कश्मीर के बारे में ये शुरू होने वाला है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहरहाल यहाँ पे कश्मीर को लेके भी काफी एम्बैरेसमेंट हुई है, पाकिस्तान को पता नहीं कैसे कवर करेंगे, ये डैमेजेस कैसे इनको ये कैसे सही कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद आड़स का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर पाकिस्तान की अमीरियत के बारे में। देखा, मैंने कहा था इस वीडियो को देखने के बाद आप पाकिस्तान को गरीब मुल्क नहीं कहेंगे। अगर इंडिया नंबर वन पे है तो पाकिस्तान भी दुबई में प्रॉपर्टीज के मामले में नंबर टू पे है। जी हाँ, चलिए, भारत का तो समझ में आता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में बहुत सारे मिलियनियर्स हैं और कुछ करप्शन का पैसा तो भारत से भी बाहर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पाकिस्तान का तो सारा का सारा पैसा करप्शन का ना सिर्फ दुबई बल्कि लंदन टोरंटो में भी जाता है। तो आपने देखा, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है पर पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर। और आपने देखा जैसे कि साजिद ताड़ा साहब ने बात की हमारे देश में हो रहे चुनावों के बारे में और खासकर मोदी जी की तारीफ करते हुए ये शॉर्ट शॉर्ट कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी जीतेंगे और हैट्रिक बनाएंगे। तो इसके बारे में आपके जो भी विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।